नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लिंक ऑप्शन के बारे में। इंसर्ट टैब के अंदर आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन है लिंक का, जिसका यूज किया जाता है किसी शीट को किसी शीट से लिंक करने के लिए, या किसी फाइल को किसी फाइल के साथ लिंक करने के लिए, या किसी एक्सेल के फाइल को वेब पेज के साथ लिंक करने के लिए, या फिर किसी स्मार्ट आर्ट या शेप्स को एक हाइपरलिंक के साथ जोड़ने के लिए, और या फिर किसी टेक्स्ट को किसी ईमेल से ऐड करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप से आप इस लिंक का यूज कर सकते हैं। मैं आपको 5 तरीके से बताऊंगा कि आप हाइपरलिंक का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आप किसी शीट को दूसरी शीट से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और अलग अलग शीट पर उनका डेटा होता है। अगर वो उन शीट्स का एक इंडेक्स बना लें और इंडेक्स बनाने के बाद वो वन बाय वन उस शीट तक पहुंच सकते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं पहले वो क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि आप किसी शीट को किसी शीट के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमने शीट्स के नाम दिए हुए हैं और वही शीट्स हमारे अलग अलग डेटाबेस में प्रेजेंट है। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम स्लाइसर पर क्लिक करें तो स्लाइसर का जो डेटा है वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाना चाहिए, और जब भी हम यहाँ पर प्राइवेट टेबल पर क्लिक करें तो हमारी प्राइवेट टेबल का जो डेटा है वो यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाना चाहिए। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा वो टेक्स्ट जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक लगाना चाहते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर लिंक का। इस लिंक वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी हम जो हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं वो सेम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्लाइसर को आप स्लाइसर के साथ जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए स्लाइसर को। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने सेल का रेफरेंस है, यानी किस सेल पर आप जंप करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट का डिस्प्ले है, यानी कि क्या नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर स्लाइसर को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर लिंक लग चुका है। जैसे आप स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्लाइसर का जो पेज था आपके सामने ओपन हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो सेल एड्रेस दिया था हमने A1, तो A1 पर हमारा कर्सर यहाँ पर शो हो चुका है। इसी तरीके से और भी लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पाइवट टेबल पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं सीधे लिंक वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से भी आप लिंक लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पाइवट टेबल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर हम सेल एड्रेस चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम सेल एड्रेस दे देते हैं A10। तो A10 देने के बाद होगा क्या, हमारा जो कर्सर होगा वो डायरेक्टली A10 पर जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके जैसे हम इसे ओके प्रेस करेंगे और पाइवट टेबल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा A10 के ऊपर यहाँ पर कर्सर जंप कर चुका है, यानी जिस भी सेल का एड्रेस हम इस हाइपरलिंक के अंदर प्रोवाइड करेंगे ये डायरेक्टली हमें उसी सेल एड्रेस पर ले जाकर के जंप करा देगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल शीट का लिंक कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए या लिंक पर जाइए, यहाँ से आप चले जाइए प्रैक्टिकल शीट पर और यहाँ पर ओके प्रेस करिए। जैसे आप प्रैक्टिकल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिकल शीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, और इसी तरीके से आप टाइमलाइन को भी लिंक कर सकते हैं। तो टाइमलाइन को सिलेक्ट करके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट टाइमलाइन, यहाँ पर सेल एड्रेस देना है तो सेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट का डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टेक्स्ट का नाम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली टाइमलाइन को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करिए। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस वाली शीट पर आप जंप कर जाएंगे। तो ये तो था हमारा कि आप किसी हाइपरलिंक को एक शीट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे वो यूज करेंगे किसी हाइपरलिंक को किसी टेक्स्ट फाइल के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है YouTube के नाम से, इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है लिंक वाले ऑप्शन पर। लिंक ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन होगा, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर फाइल शो हो गई। आप किसी फाइल को फोल्डर को भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक्सेल की दूसरी फाइल है और उस फाइल को आप इस वर्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यानी एक JPG फाइल है, हमारी YouTube का बैनर है, हम उस बैनर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बैनर का जो नाम है वो 555 के नाम से यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। तो इस वाली फाइल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने YouTube पर लिंक लग चुका है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप देखेंगे हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यानी हमने जो लिंक लगाया था इमेज के ऊपर हमारे बैनर के ऊपर, वो बैनर हमारा ओपन हो चुका। तो इस तरीके से आप कोई फाइल फोल्डर आप लिंक कर सकते हैं किसी भी एक फाइल के साथ दूसरी फाइल को,
इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक टू वेब पेज, यानी हम किसी वेब पेज को किसी हाइपरलिंक के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर हमने google.com एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस वाले टेक्स्ट के ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ से चले जाना है लिंक वाले ऑप्शन पर। लिंक ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना होगा सबसे पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होगा जिस यूआरएल के साथ आप इसको ऐड करना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं http.google.co.in। तो .co.in बेसिकली इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डोमेन है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारा google.com यहाँ पर शो हो चुका है, यानी इसके ऊपर लिंक क्रिएट हो चुका है। google.com के ऊपर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखेंगे हमारा जो वेब ब्राउजर था वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इंटरनेट अगर हमारा कनेक्ट होगा तो ये डायरेक्टली गूगल का वेब पेज आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेब पेज हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है, इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है हम हाइपरलिंक यूज करेंगे किसी शेप या किसी स्मार्ट आर्ट को, यानी आप यहाँ पर ले सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर से इलस्ट्रेशंस के अंदर जाकर के किसी शेप को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमने रेक्टेंगल राउंडेड शेप सिलेक्ट किया है और इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद अगर आप इसके ऊपर लिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके थीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आप ये चाहते हैं कि जब भी आप इस वाली शेप पर क्लिक करें तो क्लिक करते ही आप जिस भी फाइल को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं वो ओपन हो जाए। तो इसके लिए इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने लिंक का एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लिंक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा और इसको आप किस फाइल के साथ ऐड करना चाहते हैं, किस फाइल के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं। अब आप देखेंगे इस शेप के ऊपर लिंक लग चुका है, एक बार आपको बाहर क्लिक करना होगा और अब आप देखेंगे यहाँ पर लिंक क्रिएट हो चुका है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी जो फाइल थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। आप देखिए हमने जो फाइल अटैच की थी 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी स्मार्ट आर्ट को या किसी शेप को हाइपरलिंक के साथ जोड़ सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक टू टेक्स्ट टू ईमेल, यानी आप किसी टेक्स्ट को ईमेल के साथ किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एक्सेल इन्फोटेक। लिखने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पर ले लिया हमने लिंक का ऑप्शन। और सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर अगर आप जाएंगे ईमेल एड्रेस पर तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी रैंडमली ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि ईमेल आईडी का क्या सब्जेक्ट देना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने दे दिया हाइपरलिंक और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे ये भी लिंक में जनरेट हो चुका है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यानी एक्सेल इन्फोटेक पर जब भी क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी थी वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसको एक बार आपको साइन अप करना होगा यानी लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने जीमेल, आउटलुक, याहू, ये सारे के सारे ईमेल आईडीज यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये सारे के सारे सर्वर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस भी ईमेल आईडी को आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप उस वर्ड पर क्लिक करते ही आप अपनी ईमेल आईडी पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका लिंक का यूज कर सकते हैं, हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और हाइपरलिंक के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पर जैसे हम टाइप कर लेते हैं विनोद, और विनोद नाम से मैं किसी फाइल को क्रिएट करना चाहता हूं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहां से चले जाएंगे लिंक वाले ऑप्शन पर। लिंक ऑप्शन पर जाने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स का। तो यहां पर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आपको अपनी फाइल का नाम देना होगा, जैसे यहां पर हमने दिया हुआ है डी ड्राइव की हमने लोकेशन यहां पर सेव की हुई है। यहां पर जैसे हम किसी फाइल का नाम देंगे, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया एक्सेल इन्फोटेक 2021, और इसके बाद यहाँ से अगर आप अपनी फाइल के पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप अपनी फाइल के पाथ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डी ड्राइव या ई ड्राइव जो भी देना चाहे वो यहाँ से दे सकते हैं। हम फिलहाल इसको यही रहने देते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन है वेन टू एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को बाद में एडिट करना चाहते हैं जो भी आप यहाँ पर फाइल क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपका एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, यानी जैसे ही आप इसको नाउ पर क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो आपकी वो फाइल यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाएगी
और अगर आप इसे लेटर को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं तो आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो आप देखेंगे एक्सेल इन्फोटेक के नाम से यहाँ पर फाइल रिप्रेजेंट हो चुकी है, एक्सेल इन्फोटेक 2021 के नाम से फाइल यहाँ पर बन चुकी है। अब ये फाइल हमारी सेव कहाँ थी, ये फाइल हमारी डी ड्राइव के अंदर सेव थी, तो चलिए हम डी ड्राइव को चेक कर लेते हैं। यहाँ से चले गए हम लोग माई कंप्यूटर के अंदर, माई कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं डी ड्राइव को। डी ड्राइव को जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल इन्फोटेक के नाम से फाइल हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। ये देखिए एक्सेल इन्फोटेक 2021 के नाम से हमारी फाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई है, यानी यहाँ पर बन चुकी है। आप इसको जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ से आपकी वो फाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप से हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। यही था हाइपरलिंक का चैप्टर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।